Hello everybody, yesterday we were talking about discovering Tut. The saga continues. And what about we were talking? The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt. Mr. Carter were examining and searching for something like he was discovering Tutankhamen's, Tut's mummy. And his whole body was stuck with a chemical by the name resins. और अब क्या होता है कि उसकी बॉडी उनसे अलग नहीं की जा रही है उस केमिकल से उस गोंद से. अब ये हर तरह की ट्राई कर रहे हैं, हर तरह का संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं इनके हाथ लग रहा. तो अब ये क्या सोचते हैं कार्टर साहब कि एक काम करते हैं, ये जो इतनी चिलचिलाती हुई धूप है इजिप्ट के दक्षिणी छोर में जहाँ पे ये हैं, उस धूप में इस बॉडी को रख देते हैं. हो सकता है ये गोंद धूप में पिघल जाए और ये लूज हो जाए और फिर हम इसकी बॉडी को, इसकी मम्मी को यहाँ से निकाल कर अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे का जारी कर सकते हैं. फिर हमारा लेसन रुक गया था, यहाँ पर ख़त्म हो गया था फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक. अब आगे पढ़ते हैं. उसके पहले ये स्टार कमिंस होता है कंपलसरी, ये बहुत नेसेसरी है. सी मैप ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पर मैप देखिए. अब उसके बाद फिर क्या होता है, ये मैप देखते हैं जी. ये एशिया है एंड इट्स अफ्रीका, अफ्रीकाज मैप. एंड सी द कॉर्नर, इट्स इजिप्ट. Yeah, we were talking about Egypt, it's Nile River. See another map. We were talking about before sometime Valley of the Kings. जहाँ पर इसको दफनाया गया था, जो cemetery थी उस cemetery का नाम Valley of the Kings था. और ये Tomb of Tutankhamen था, ये उसकी कब्र का यहाँ पर. तो ये पूरा map है. ये देखिए, ये Luxor जो मैंने अभी इसकी बात की थी, ये उनकी राजधानी थेब्स. थेब्स इनका नाम था पहले, इसकी राजधानी थी इजिप्ट तुतनखामेन की. ओके, अब बात करते हैं अगले लेसन में. तो क्या हुआ, फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक. ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फारेनहाइट. कार्टर ने, यानी ही यूज हुआ है कार्टर के लिए, कुछ घंटों तक उस मम्मी को बाहर उस ब्लेजिंग सनशाइन, उस जलती हुई धूप, बहुत तेज़ धूप में रखा और हीट किया उसको. कितना, 149 डिग्रीज. अब देखिए वहाँ कितनी गर्मी होती है, 149 डिग्रीज तक हीट किया उसको, लेकिन कुछ नहीं हुआ. नथिंग बजट, कुछ उनके हाथ नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. फिर उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो consolidated material है, जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, वह material, जो जुड़ा हुआ material है, जो consolidated है, यानी उससे बिल्कुल बिल्कुल चिपका हुआ है, जिसने उसको जकड़ रखा है, consolidated का उसको ही कहते हैं, जो एकदम बिल्कुल अब मिक्सडअप होता है किसी चीज़ के साथ, जुड़ा हुआ होता है. तो वह जो मटेरियल था उसको चीजल अवे करना था. चीजल कहते हैं, आपको पता होगा, या छेनी देखी होगी आपने, लोहे की होती है. तो छेनी से उसको चीजल अवे करना था, यानी ये वर्ब भी है. तो उसको चीजल अवे करना पड़ा, यानी छेनी से काट काट और उसको अलग करना पड़ा. उसके लिम्स, जो उसके अंग थे शरीर के, हाथ पैर वगैरह, गर्दन या जो भी जोड़ वगैरह थे उसके शरीर के, उनको अलग करना पड़ा. यही उसके पास रास्ता था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था. छिनी से काट काट कर अलग करना पड़ा उस गोंद को उसके शरीर से, जिसके साथ साथ उसके जो अंग थे वो भी हर जॉइंट से टूट गए. इन इज डिफेंस, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड. क्या होता भाई, उसके पास कोई दूसरा चांस भी तो नहीं था कार्टर के पास. अगर कार्टर
उसकी मम्मी को उस बॉडी को उसी दिन छीनी से कटवाकर अलग नहीं करता, तो क्या होता, उस रात को चोर चोरी करके ले जाते उस जो जो तूत के ऊपर सोना लगा था सारे को ले जाते हैं। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, बस यही एक थी। इफ़ ही हैडन कट द मम्मी फ्री, यदि वह काट मम्मी को फ्री ना करता तो जो थीव्स थे, ये प्लूरल है थीव का, वो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, मोस्ट मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड। सरकमवेंटेड का मतलब होता है कि वो ठग लेते, वो क्या करते, वो चीट कर लेते, किसको, गार्ड्स को, गार्ड्स को धोखा देते और सारे गोल्ड को रिप अवे कर देते, है ना, रिपीट अपार्ट यानी तोड़ देते उस सारे मम्मी को। फिर उनकी छानबीन धरी की धरी रह जाती, जो छानबीन वो करने में लगे हुए थे तो उन्होंने जल्दी से उसको अलग करने के लिए छीनी हथौड़े मंगवाए, उसको तोड़ दिया, तोड़ कर उसको बाहर निकाल लिया। अगर वो ऐसा ना करते तो चोर आ जाते रात को और गार्ड्स को धोखा देकर वो उस मम्मी को तोड़ फोड़ के वहीं फेंक जाते और सारा सोना लेकर निकल जाते। इसलिए उनके पास सो दे डोंट हैव से डिडंट हैव एनी अनदर चॉइस एक्सेप्ट चीजलिंग अवे द मम्मी। नेक्स्ट, इंटर्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेज विथ दैम। टट के टाइम पर जो रॉयल्स थे, जो शाही परिवार थे, जो अमीर लोग थे, वो बहुत ही वेल्दी थे, फेबुलसली वेल्दी थे, बहुत शानदार तरीके से बहुत अमीर लोग थे, और वे सोचते थे एंड दे थॉट एंड होप्ड, वे सोचते थे और ऐसी उम्मीद करते थे कि वो अपने रिचेज को, अपने धन को अपने साथ लेकर जा सकते हैं मरने के बाद भी। उनका ये मानना था, ऐसा उनका विश्वास था। तो इसीलिए फॉर दिस जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड का मतलब है कि मरने के बाद जो उसकी यात्रा है, जो टट की यात्रा अब स्टार्ट होती है, यानी मर गया, अब उस महान यात्रा के लिए किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, ए सेरेमोनियल एप्रॉन, सैंडल्स, सेज फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारे के सारे सोने के बने हुए। अब ये जो यात्रा, उसकी महान यात्रा शुरू होने वाली है, वह मर गया है, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें उसको दी गई, उसको किन चीज़ों के साथ लेविस किया गया, जिनमें क्या क्या थी, लेविस मतलब क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर डाली गई, उसको किन क्या क्या चीज़ें से लादा गया, उसके ऊपर डाल दी गई, लेविस कर दिया गया, है ना। टुट वॉज लेविस विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स, उसमें बहुत सारे चमकते हैं चीज़ें थी, यानी सोने के आभूषण थे, प्रीशियस कॉलर्स थे। प्रीशियस कॉलर्स का मतलब है, प्रीशियस तो आपको पता है कीमती होते हैं, कॉलर्स का मतलब होता है गले का पट्टा, यानी आपने देखा होगा इजिप्ट में, आपने जब मिस्र के पिरामिड देखे हैं, उसके पास एक मुखौटा भी बना हुआ है पिरामिड्स के पास, या आपने, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जो मिस्र के पुराने राजा या फराह थे वो क्या करते थे, वो गले में एक स्पेशल एक कॉलर पहनते थे जो बहुत ही मूल्यवान होता था, पता नहीं कौन सी धातु का वह होता था, तो उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ रिवाज था कि राजा लोग कॉलर्स पहनते थे, तो वो कॉलर्स उसके साथ दफनाया गया, साथ साथ नेकलेस और ब्रेसलेट और अंगूठियाँ और एमुलेट्स यानी ताबीज, एक अप्रोन दफनाया गया। अप्रोन समझते हैं ना, जैसे आजकल होता है जो ना गले में डाल लेते हैं या कंधे पर डाल लेते हैं, वाइट कलर का होता है, एक तौलिया टाइप, एक अंगोछा, एक साफा होता है, तो सरमोनियल अप्रोन डाला, यानी वहाँ का जो जो मतलब सरमोनियल था, जो रीति रिवाजों पर डाला जाता है ऐसी चीज़ें, पारंपरिक जिसे हिंदी में कहते हैं, और वो अंगोछा डाला और साथ साथ सैंडल्स और सीथ्स यानी कवर्स, सीथ कहते हैं कवर को, फॉर हिज फिंगर्स एंड टोइज, उसकी हाथों और पैरों की उंगलियों के कवर सोने के, वो भी उसके साथ डाले। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन इन द मास्क, और फिर क्या किया, आइकॉनिक इनर कॉफिन जिसमें एक मास्क भी बना हुआ था वह डाला। कॉफिन मैंने बताया था किसको कहते हैं, ताबूत को कहते हैं, और आइकॉनिक कहते हैं एक तरह का आइडल, जैसे कि मतलब कोई पुतला होता है, कोई मूर्ति होती है, तो एक मूर्ति बनी हुई एक ताबूत उन्होंने डाला। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसा ताबूत था, जिसके ऊपर एक मूर्तियाँ, एक मम्मी टाइप गड़ा हुआ था,
ऐसा लग रहा था जैसे ही मम्मी ही है, उसका मुखौटा। तो मम्मी तो अंदर थी, लेकिन बाहर से जो उसकी बनावट थी ताबूत की, वो आइकॉनिक टाइप थी। और साथ साथ उसका मास्क भी उसमें डाला उन्होंने। मास्क वैसे आजकल बहुत चल रहा है, आजकल कोरोना वायरस फैल गया, लेकिन मास्क का मतलब होता है मुखौटा। तो मुखौटा भी डाला उन्होंने, एंड ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। ये सब के सब आभूषण किस चीज़ के थे? ये सोने के थे, गोल्ड के। तो ठीक है, टू सेपरेट इट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मी हेड एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट। टू सेपरेट इट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, अपने आभूषणों से अलग करने के लिए टट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर्स के आदमियों ने क्या किया? कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट। कार्टर के आदमियों ने, यानी उसके मजदूरों ने, मम्मी के सिर को उसकी बॉडी से अलग करना पड़ा, और उसके प्रत्येक जॉइंट को, उसके शरीर के हर एक मेजर जॉइंट, मेजर कहते हैं मुख्य, मेन, जो भी मुख्य मुख्य जॉइंट थे शरीर के, वो सारे अलग करने पड़े, क्योंकि बहुत बुरी तरह से स्टक हो रहा था वह गोंद, वह जो केमिकल था जिससे डेड बॉडी गलती नहीं, वो उसमें जम गया था। तो उसको अलग करने के लिए जल्दबाजी में अलग किया गया, नहीं तो चोर उसको वहीं तोड़ फोड़ के फेंक जाते। अब चोरों को क्या मतलब है, क्या इन्वेस्टिगेशन यहाँ चल रही है, क्या खोजबीन, क्या क्या यहाँ चल रहा, उन्हें तो वो सोना दिखाई देता बस। तो इसलिए उन्होंने पहले ही उसको अलग कर लिया, उसके सारे मेजर जॉइंट तोड़ने पड़े और उसके गर्दन तोड़ना पड़ा, अलग करना पड़ा उससे। वंस दे हैड फिनिश्ड, दे रीअसेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट्स। दे वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने यह काम ख़त्म कर लिया, यानी बॉडी को, उसके पार्ट्स को अलग करने का, उस गम से, उस गोंद से, तो उन्होंने क्या किया, फिर से रीअसेंबल किया, यानी फिर से रीअसेंबल, फिर से उनको वापस उसी स्थिति में रख के देखा, किसमें, द रिमेन्स ऑफ अ लेयर, रिमेन्स यानी उसके जो टूटे फूटे जो पार्ट हो गए थे, अब कोई उसका हाथ अलग हो गया था, सिर अलग हो गया था, उन सबको रीअसेंबल किया, फिर से रखा, एक साथ रख के देखा, किस पे, उन्हें लेयर ऑफ सैंड, है ना, एक मिट्टी की, उस पर मिट्टी की परत पर, और मिट्टी किस में डाली, ए वुडन बॉक्स में डाली, एक लकड़ी के ताबूत में मिट्टी डाली, यानी रेत डाला, और रेत के ऊपर सारे जो उसके पार्ट थे बॉडी के, वो एक साथ रख के फिर से असेंबल करके देखे, और जो डैमेज थे, जो नुकसान हुआ था, वो सारा छिपा दिया गया, जिससे कि लगता था कि बॉडी एक ही है, कहीं से टूटी फूटी नहीं है, और ये वही लकड़ी का ताबूत है जिसमें टट आजकल रेस्ट करता है, टट नाउ रेस्ट, ये वही ताबूत है जहाँ तक जिसमें आज तक उसकी बॉडी रखी हुई है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। जो आर्कियोलॉजी है हमारी, वो काफ़ी चेंज हुई है पहले से, सब्सटेंशियली उसको, उसमें चेंज आए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये जो डिकेड्स है, ये जो दशक है, इन दशकों के बीच में, है ना, चेंजेस आई है। इंटरवेनिंग यानी इन द मिडल, तो जो पिछले कुछ दशकों के बीच में चेंजेस आई है आर्कियोलॉजी में, उसमें क्या हुआ है कि वो ट्रेजर्स पर तो कम ध्यान देते हैं, वो ठीक हुआ है कि फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीग्यूटिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। ये जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर ज़्यादा इन्होंने काम किया है, ज़्यादा गहराई से देखते हैं, और जो सोना चांदी है उस पर ये कम ध्यान देते हैं। आजकल का जो आर्कियोलॉजी कहती है वो ठीक है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और आजकल बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड यानी कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल टूल्स भी वो काम में लाते हैं, जिनमें कुछ मेडिकल टेक्नोलॉजीज भी शामिल होती हैं। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एंड एनाटोमी, प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, his breast bone and front ribs are missing. In 1968 में, 1968 में, जो लगभग कार्टर्स की डिस्कवरी के 40 साल बाद,
जो कार्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, उस कार्टर की खोज के 40 साल बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी कहते हैं शरीर विज्ञानी जो जानते हैं शरीर के बारे में, एक शरीर विज्ञानी, एक शरीर प्रोफेसर जो एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने क्या किया, उस मम्मी का एक्सरे किया और उसके बारे में एक चौंकाने वाला एक फैक्ट रिवील किया, एंड रिवील ए स्टार्टलिंग फैक्ट। स्टार्टलिंग कहते हैं अमेज्ड, चौंकाने वाला। रिवील यानी उजागर किया, सामने लाया, पब्लिकली पब्लिश किया, दुनिया के सामने लाए एक चौंकाने वाला फैक्ट मम्मी का एक्सरे करके। वो क्या था कि बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, उस रेजिन के नीचे, उस गोंद के नीचे जो उसके चेस्ट पर चढ़ा हुआ था, उसने क्या किया, एक्सरे किया और उन्हें पता चला कि उनका जो ब्रेस्ट बोन थी, जो हड्डियां थी छाती की और पसलियां थी सामने की, वो जो है गायब थी। यानी जब वो मरे तो उनकी हड्डियां टूटने से शायद मरे हों, या कैसे भी उनकी हड्डियां, उनकी पसलियां, 2-3 पसलियां वो मिसिंग थी, वो उनके शरीर में थी ही नहीं। ये फैक्ट वो दुनिया के सामने लाए। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। आजकल जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है, यानी चित्र लिए जाते हैं जिसके थ्रू बॉडी के अंदर एक्सरे करके, जो कि जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहा जाता है। टोमोग्राफी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी एक्सरे और जो सिटी स्कैन बॉडी का होता है, वो उसको क्या कहते हैं बेटा, टोमोग्राफी कहते हैं। तो टोमोग्राफी के तहत जो आजकल डायग्नोस्टिक यानी निदान करना, डायग्नोस्टिक इमेजिंग होती है, यानी किसी का निदान करने के लिए, किसी का दुख का निवारण करने के लिए, जो उसका इमेजिंग यानी उसके जो सिटी स्कैन हुई है, उसके जो फोटोज़ लिए जाते हैं, वो लिए जा सकते हैं, ऐसा कहते हैं। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, जिसमें क्या होता है कि सैकड़ों एक्सरेज एक दूसरे को काटती हुई उसकी उसकी बॉडी पर, उसके बॉडी के उस पार्ट पर डाली जाती है जिसमें, जिसका उनको एक्सरे करना है। तो उसमें क्या करते हैं, व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। तो सिटी स्कैन ने एक्सरे से ज़्यादा, सिटी स्कैन क्या बताता उसके बारे में, कह रहे हैं कि व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। तो जैसे उनका एक्सरे भी हुआ था, वो सिटी स्कैन भी होता, तो एक्सरे से ज़्यादा सिटी स्कैन क्या बता पाता, क्योंकि सारा तो राज एक्सरे ने ही खोल दिया था, और मतलब कुछ बातें जो राज रह गई थी वो ना तो एक्सरे खोल पाया और ना ही सिटी स्कैन खोल पाया। वो क्या थी, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट। लिंगरिंग कहते हैं द थिंग दैट स्टेज दैट लॉन्ग लास्ट, जो लंबे टाइम तक टिकती है, जो बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ी रहती है, जिसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो ये कहते हैं कि दो एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, कि क्या पैलेस का वो कराया था एक्सरे, फिर सिटी स्कैन कराया था, तो सिटी स्कैन क्या एक्सरे से ज़्यादा बता देगा, क्या वह इन दो सवालों के जवाब दे देगा जो आज तक लटके हुए हैं, आज तक पड़े हुए हैं, आज तक इनका कोई जवाब नहीं मिल पाया, आज तक लिंगरिंग। वो क्या थे, हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब वह मरा उसकी उम्र कितनी थी। ये दो सवाल थे। तो इनका कहने का मतलब है कि जब एक्सरे ही नहीं इनका पता लगा पाया, तो क्या सिटी स्कैन करके इनका पता लगाया जा सका। किंग टट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट, डिमाइज कहते हैं मृत्यु को, डेथ को। किंग टट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। किंग टट की जो मौत थी वो बहुत बड़ी घटना थी, यहाँ तक कि रॉयल स्टैंडर्ड्स के द्वारा भी, जो शाही रहन सहन था उन लोगों का, जो शाही परिवार था, उनके हिसाब से भी ये बहुत बड़ी घटना थी उनकी जो मृत्यु घटी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डिनेस्टी। वह अपनी फैमिली लाइन यानी अपनी डिनेस्टी के सबसे लास्ट के उत्तराधिकारी थे, और उनकी जो फ्यूनरल थी, जो उनको दफनाया गया, उनके दफन करने के साथ साथ ही यानी उनकी मौत के साथ साथ ही डिनेस्टी जो थी उनकी, उसका भी
वो काफ़ी उसमें शोर शराबा हुआ, यानी उनकी डिनेस्टी में, उनके पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया जब उनकी मृत्यु हुई, ये कहने का इनका सेंस है। रेटल कहते हैं शोर शराबे को, नॉइज को, हड़कंप को। तो बट द पार्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स एफरमेथ आर अनक्लियर। जो पार्टिकुलर्स हैं, जो यानी निश्चित विवरण है, डिटेल्स है, पार्टिकुलर्स कहते हैं डिटेल्स को, यानी निश्चित विवरण को, ऑफ हिज पासिंग अवे, पासिंग अवे का मीन्स आप समझ गए होंगे, डेथ को कहते हैं, उसके मरने के बाद, यानी उसकी डेथ के जो डिटेल्स थी वो आज तक अनक्लियर है, और जो उसके आफ्टर मैथ, उसकी मृत्यु के कारण और उसके मरने के बाद के कारण आज तक भी अनक्लियर थे, जो आज तक सॉल्व नहीं हुए थे। अब कुछ बताते हैं इसकी फैमिली के बारे में, जान लेते हैं। एमनहोटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ पावरफुल फरा हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th डिनेस्टी गोल्डन एज। नाम बताया है, इसको अंडरलाइन करेंगे, ये आपके क्वेश्चन में बड़ा काम आने वाला है, या एंड सर्कल कर लेंगे। एमनहोटेप थर्ड, ये आप टट के फादर समझ लें या ग्रैंडफादर समझ लें, इसका अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। टट्स फादर और ग्रैंडफादर, या तो उसके पिता होंगे या उसके दादा होंगे। ये एक पावरफुल फरा थे, मैंने आपको बताया फरा क्या होता है, आप इस फरा को भी अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि ये इनकी डिनेस्टी है, पूछा जा सकता है कि वे कौन सी डिनेस्टी से संबंधित थे। तो एमनहोटेप जो उनके दादा या पिता थे, एक पावरफुल फरा थे, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक, 4 decades, decades कहते हैं पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल का समय, दशक जिसे हिंदी में कहते हैं, लगातार 40 वर्षों तक, यानी 4 दशकों तक इन्होंने राज किया, जो कि इनकी पूरी डिनेस्टी का गोल्डन एज था। ये जो इनकी 18th डिनेस्टी थी, यानी इनका 18वां साम्राज्य था, उसकी जो गोल्डन एज था उसके पीक पर ये थे, यानी 40 वर्षों तक लगातार किसी राजा ने राज नहीं किया होगा, तो इसलिए ये कहते हैं कि एट द हाइट ऑफ द 18th डिनेस्टी गोल्डन एज, 18वीं शताब्दी के स्वर्ण युग की हाइट पर थे, शीर्ष पर थे, ये जो 40 वर्षों तक इसके दादा या पिता ने राज किया था। हिज सन एमनहोटेप 4 सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इजिप्ट। उसके बाद जो एमनहोटेप थर्ड के जो बेटे थे, एमनहोटेप 4th, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, टट के दादा या पिता बता रहे हैं, इट इज़ नॉट क्लियर, तो उनके दादा थे या पिता, जिनका नाम था एमनहोटेप थर्ड, जिन्होंने 4 दशकों तक लगातार राज किया मिस्र की 18वीं डिनेस्टी पर, और उसके बाद सेकंड उनके जो राजा उसके बाद के, यानी यहीं तक इनकी डिटेल्स है, इसके पहले तक की नहीं है। तो उसके बाद एमनहोटेप 4th जो इनके बेटे थे, उसके बाद इन्होंने राज्य संभाला और इन्होंने शुरुआत की एक नए युग की, प्राचीन ग्रीक की सभ्यता के, प्राचीन ग्रीक के इतिहास के एक नए युग की इन्होंने शुरुआत की, जिनका नाम था एमनहोटेप 4th। उसके बाद द न्यू फ्राहो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू अखेनातेन और सर्वेंट ऑफ द एटन एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, जैसे मैंने थीब्स आपको बताया था पहले मैप में देखकर, टू द न्यू सिटी ऑफ अखेतातेन नोन नाउ एज अमारना। अब इसको ध्यान से सुनेंगे, जब ये एमनहोटेप 4 राज्य पर बैठे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नए देवता की पूजा को प्रमोट किया कि इस देवता की पूजा मेरे राज्य में होनी चाहिए, जिसका नाम था एटन। उस देवता का नाम क्या था? एटन, द सन डिस्क, सूर्य देवता।
डिस्क आपको पता है गोल चीज को कहते हैं, गोल चक्र को कहते हैं, इस साथ साथ नक्षत्र को भी कहते हैं, ग्रह जैसे कि जिन चीजों को कहते हैं, तो सूर्य ग्रह या सूर्य देवता इसका नाम था, जिसका जिसको ग्रीस यानी इजिप्ट में एटन कहा जाता था। तो अमनहोटेप IV ने इस बात पर जोर दिया कि मेरे राज्य में एटन की पूजा होनी चाहिए, और उसने इसके साथ साथ अपना नाम बदलकर अखेनातेन भी कर दिया। क्या कर दिया? अखेनातेन, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी सूर्य का नौकर, सूर्य का दास, सूर्य देवता का सेवक। ये इसने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया, क्या कर लिया बेटा, अमनहोटेप से इसने नाम कर लिया अखेनातेन। ओके, एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन, नोन नाउ एज अमारना। और फिर इन्होंने क्या किया, सूर्य देवता की पूजा पर जोर दिया, उसके साथ साथ इन्होंने अपनी पुरानी राजधानी एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स, जिसका नाम क्या था, थेब्स, जो उनकी पुरानी राजधानी थी जिसका नाम था थेब्स, उसको इन्होंने बदलकर नई राजधानी का नाम रख दिया अखेनातेन। अपना नाम क्या लिखा, अखेनातेन, और अपनी राजधानी का नाम क्या रख लिया, अखेनातेन, जिसको आज अमारना के नाम से जाना जाता है, जैसा मैंने आपको मैप में भी पीछे बताया होगा। ठीक, ही फर्दर सोक्ड द कंट्री बाई अटैकिंग अमन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। फिर उसने लोगों को चौंका ही दिया, ही फर्दर सोक्ड द कंट्री, फिर उसने लोगों को चौंका दिया, उसने पूरी कंट्री को सोक कर दिया, कैसे, बाई अटैकिंग एमन, एमन पर अटैक करके। फिर तो उसने लोगों को चौंका दिया, उसने अचानक से एमन पर अटैक किया, और ये एमन कौन था, अमेजर गॉड, वहाँ का एक मुख्य देवता था। इसने क्या किया, स्मैशिंग, स्मैशिंग मतलब होता है ब्रेकिंग, तोड़ देना, इसने उसके सारे इमेजेस, सारी मूर्तियों को, सारे उसके चित्रों को सब तोड़वा डाला, और उसके मंदिरों को बंद करवा दिया। लोग तो बहुत हैरान हुए। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सैड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशंट थेब्स। ये एक बहुत ही खतरनाक टाइम रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, यह एक डरावना, भयानक, एक खतरनाक समय रहा होगा। ये किसने कहा, ये कहा रे जॉनसन ने। ये रे जॉनसन कौन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ये शिकागो के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं। इन्होंने ये लिखा है अपने किसी संस्मरण में। इनका रिसर्च सेंटर जिसके ये डायरेक्टर है वो कहाँ है, लक्सर में, और जो लक्सर पहले कहाँ हुआ करता था, थेब्स में। थेब्स क्या थी, इनकी पहली राजधानी। अब आप समझे ना, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, एंड देन अखेनातेन वेंट अ लिटिल वैकी। वैकी कहते हैं मैड को, पागल को, क्रेजी को, सनकी को, ठीक है। द फैमिली दैट हैड रूल फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, वह परिवार जिसने सैकड़ों वर्षों तक राज किया था, अब उसका अंत नजदीक आ रहा था। और फिर जो अखेनातेन था, जिसका अभी हम जिक्र चल रहा है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा वैकी हो गया था, थोड़ा पागल हो गया था, ऐसा लोग समझते थे उस टाइम के। आफ्टर अखेनातेन्स डेथ, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इस्मेन खकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली ट्रेस। ट्रेस कहते हैं किसी मार्क को, किसी निशान को, किसी निशानी को। तो अखेनातेन की मृत्यु के बाद एक मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय शासक, जिसका नाम था, ये भी आपको याद रखना है, इस्मेन खकरे, जिसका नाम था इस्मेन खकरे, ये कुछ टाइम के लिए अपीयर हुआ, कुछ टाइम के लिए दिखाई दिया एज अ किंग, फिर इसको राजा बनाया गया। लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए, ब्रीफली, ये बहुत ही कम टाइम के लिए सत्ता में आया, और शायद ही इसके कोई निशान है, शायद ही इसकी कोई निशानी है, जिसका बारे में कोई विवरण, कोई डिटेल्स, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए आए थे, कुछ महीनों के लिए आए होंगे, इसका कुछ कोई खास डिटेल्स हमारे पास नहीं है। एंड देन ए वेरी यंग तुतनखातेन टुक द थ्रोन किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे। और फिर एक बहुत ही जवान, बहुत ही छोटे बच्चे ने राज्य संभाला, जिसका नाम था तुतनखातेन, टुक द थ्रोन, उसने राजगद्दी ली, राजगद्दी संभाली, जिसको आज हम किंग टट यानी किंग तुत के नाम से पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, वाइडली नोन टुडे।
द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तुतनखामन लिविंग इमेज ऑफ एमन एंड ओवरसा रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. और उस छोटे राजा ने, उस छोटी उम्र के लड़के ने जो राजा जल्दी से बन गया था, उसने अपना नाम तुतनखातेन से बदल कर, ध्यान दीजिएगा क्या नाम था पहले, तुतनखातेन, अब इसने अपना नाम तुतनखातेन से बदलकर क्या कर लिया, तुतनखामन, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ एमन, जो वहां के एमन देवता थे उसकी एक जीती जागती इमेज. और इसने सारे जो इसके ओल्ड वेज थे, जो इनकी फैमिली के पुराने जो रीति रिवाज थे, उसको रेस्टोर किया. एंड ओवरसा रेस्टोरेशन, इन्होंने उसी को ही फॉलो किया, पुराने रीति रिवाज फिर से चला दिए. ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली. इन्होंने लगभग 9 साल तक राज्य किया और फिर अनएक्सपेक्टेडली ही वॉज डेड. फिर जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, इनकी मौत हो गई 9 साल राज करने के बाद. Regardless of his fame and the speculations about his fate, that is one mummy among many in Egypt. उसके फेम की परवाह किए बिना, उसकी फेट और उसके भाग्य के कोई स्पेकुलेशंस, कोई विचार, कोई थिंकिंग का कोई परवाह किए बिना भी जो टट है वो इजिप्ट की बहुत सारी ममियों में से एक बन गया है. यानी वह प्रसिद्ध था या नहीं था, क्या उसके भाग्य में था क्या नहीं था, इस बात की परवाह किए बगैर टट भी मिस्र की दूसरी प्रसिद्ध ममियों में से एक बन चुका है. वह भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, जिसके बारे में काफ़ी खोजबीन आज भी जारी है. हाउ मैनी, कितनी ममियों में से एक वह है, यानी वह कितनी ममियों में से एक है, नो वन नोज, ये कोई नहीं जानता. द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग. इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट के तहत जो जिसकी इन्वेंट्री लगभग 2003 से स्टार्ट हुई थी, वो आज तक 600 ममीज को रिकॉर्ड कर चुका है और अभी भी काउंटिंग जारी है. उन रिकॉर्डेड में से एक है टट, यानी तुतनखामेन, जिसको हम पढ़ रहे हैं. द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर. तो अभी तक तो बता रहे थे कि तुतनखामेन कितने प्रोजेक्ट्स में से एक था, कितना पॉपुलर था, और अब जो उसका नेक्स्ट फेज है इसी पैराग्राफ में, नेक्स्ट फेज क्या है, उसमें क्या होगा. स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन, एक पोर्टेबल सिटी स्कैन की मशीन से उसको स्कैन करना है, जो किसने दी है, डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस. जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने उस मशीन को प्रोवाइड किया करवाया है, जिस कंपनी का नाम है सीमेंस. इट्स मैन्युफैक्चरर, यानी इसके मैन्युफैक्चरर जिसने इसको बनाया है उसका नाम सीमेंस है, और इस मशीन के साथ इसको अब सिटी स्कैन करना है, ये इसका नेक्स्ट फेज है. किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. किंग टट की जो मम्मी है ये पहली मम्मी है जिसको, जिस तरह से जिंदा लोगों को सिटी स्कैन किया जाता है, इसका स्कैनिंग मरने के बाद भी हुई. ये पहली मम्मी है जिसको जिंदा लोगों की तरह ही सिटी स्कैन किया गया, इसके एवरी पार्ट का, जो अपने लोगों के पास अब रीगली जा रहा है, यानी शाही तरीके से जा रहा है अपने लोगों के पास, मतलब जो इसके लोग मर चुके हैं अब उनके पास, ये मरते मरते भी शाही तरीके से जा रहा है, यानी सिटी स्कैन वगैरह होके जा रहा है अच्छे से. अब देखते हैं, बट देखने से पहले वीडियो देख लेनी ज़रूरी है, बिकॉज ये 34 मिनट्स की हो चुकी है एंड इट विल टेक टू मच टाइम टू अपलोड. देन अपलोड होने में बहुत सारा समय लेती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो 34 मिनट्स की वीडियो है. अभी आप इसी को ही बच्चे अच्छे से वॉच करेंगे प्लीज़. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे किसी की हिस्ट्री खुल रही हो, उसके दादा और फिर क्या हुआ था, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन आफ्टर दैट, ये इस तरह की चीज़ें. तो इसी का आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे, तो वीडियो लंबी किए बिना मैं आपको अब बाय बोलता हूँ.
कल हम आपको बाकी का चैप्टर पढ़ा देंगे, इसको कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू।